नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ दो दिन पूर्व कंदरापुर थाना क्षेत्र के बिसोली गांव के पास मिले युवक के शव के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दंपति के पास से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि मृतक की हत्या एक तरफा प्यार करने के कारण दंपति ने मिलकर अंजाम दिया था। कंदरापुर क्षेत्र के बिसोली गांव के समीप 3 जनवरी को कमलेश राम का शव मिला। घटना स्थल के पास मिली शराब की बोतल देख मृतक की हत्या की आशंका जताई गई थी। इस मामले में मृतक के भाई रमेश राम ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना स्थल से मृतक की साइकिल भी बरामद की। घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई और सर्विलांस के माध्यम से हथियारों की तलाश शुरू कर दी। सटीक सबूत मिलने के बाद बुधवार की दोपहर पुलिस ने भोरनाथ मंदिर के समीप हरिओम और उसकी पत्नी माया उर्फ संध्या को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मृतक कमलेश अक्सर फोन पर संध्या उर्फ माया को परेशान करता था। इस बात को लेकर संध्या और उसके पति ने मृतक को फोन करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। इस बात से परेशान होकर घटना वाले दिन शाम को मृतक को फोन करके उसको बुलाया और उसे शराब पिलाने के बाद मकड़ी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने पकड़े गए हरिओम प्रजापति और उसकी पत्नी संध्या उर्फ माया के खिलाफ हत्या व दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के कब्जे से मृतक की मोबाइल भी बरामद कर ली गई है। बिसोली गांव थाना कंदरपुर में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। बाद में ये पता लगा कमलेश नाम के व्यक्ति का वो शव है। अज्ञात में उसके भाई के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस को उस समय केवल इतना सुराग लगा था कि शव के पास एक महिला की चप्पल मिली थी, जिसमें पुलिस ने जो अज्ञात मुकदमा लिखा गया था छानबीन शुरू करी। तो ये संज्ञान में आया कि मधुपुर गांव के दो व्यक्ति संध्या और हरिओम मृतक को निजामाबाद से अपने गांव लेकर आ रहे थे। रास्ते में इनके द्वारा रास्ते में शराब पी गई और इसके बाद किसी बात पे इन लोगों में आपस में विवाद हुआ और फिर मफलर से खींच के हरिओम ने दोनों लोगों ने मिलके हत्या कारित कर दी। ये अनावरण किया है पुलिस ने। अज्ञात मर्डर था। इनके लिए अनावरण के लिए छह अनावरण के लिए इनाम के लिए संस्तुति भी की जाएगी। क्योंकि ये लोग निजामाबाद से अपने गांव साथ में चले थे तो रास्ते में शराब के नशे में ये लोग थे, रास्ते में शराब पर ही पी और अभियुक्त का ये कहना है कि उसकी वाइफ से छेड़खानी कर रहा था, मगर हत्या में दोनों लोगों ने साथ में कार्य करी है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को संध्या और हरिओम को